गुरु प्यारी साध संगत जी आओ गज वज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धनता दे योग हो जो गुरु महाराज की हजूरी बैठ के
ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸੀਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬਈ। ਮਾਡਲਿਓ ਬਰ
जदों लड़के ने जन्म लिया सारे परिवार को खुशियां में झूम उठा, वधाइयां मिलियां। पर होनहार बालक ने जिमें जिमें गभरू हुंदा गया उसनू पता लगा कि साडा जो हिंदुस्तान जो साडा मुल्क है ये गुलाम है। उसने अपने साथियों के नाल रल के हिंदुस्तान को आजाद कराने वास्ते बीड़ा चुकिया। जिस वक्त उसके साथियों के नाल सलाह हुई कि आपां हिंदुस्तान आजाद कराना ते किस तरह कराइए, उन्होंने सोचा कि जुल्म जो है इस तरह हटना नहीं, क्योंकि अंग्रेजा ने एक स्कीम बनाई सी जदों जाते सन उदों ही डांगा मार मार के लोगों नूं, जिद्दां हुण वी पंजाब दी धरती दे उत्ते उन्हां ते तशद्दुद कीता जांदा है, इसे तरह उस वेले भी करदे सन। जिहड़े लोग टाउट हुंदे सन पिंडां दे विच उन्होंने उन्हां दे टिकाणे दसणे, पर देश भगतां ने अपनी रफ्तार नाल तुरे गए। जदों लाहौर दे विच उन्हां ने सांडरस नूं मार के तां उन्हां दे सिरां दे इनाम रख दित्ते गए। उस वक्त इन्होंने असैम्बली विच बंब सुट्टिया ते गिरफ्तार किए गए। जिस वक्त गिरफ्तार किया गया इन्हों तो ये भजे नहीं, इन्होंने उत्थे दस्या कि असी तुहानू मारना नहीं सी चाहते, असी तो सिर्फ तुहाडे कन्नां दे विचों जो तुहानू सुणदा नहीं वह बुझे कढे है कि हिंदुस्तान जो है ये हिंदुस्तानियों का है, ये पंजाबियों का है, इत्थे मद्रासी हन ते तुहाडा इत्थे आण के रहण का हक नहीं है। उस वक्त जदों उन्होंने ये गल कही तो इन्हां तिना सूरमियां नूं फांसी सज़ा हो गई। उस वेले का वातावरण आप जी नूं जिस वक्त उन्होंने फांसी की सज़ा दी गई उन्होंने सारा परिवार मिलन आया, तो उस वक्त का जो सीन है आप जी के सामने ढाडी जथा एवं बयान करता हो।
पुत्र दे सिर दे मात प्यारी ने मथा चुमिया चुमिया पुत्र नू कहंदी होगी मेरी खोप सफली कट जाए ना वक्त उन्हां दी मुलाकात हुई ते भगत सिंह ने अपने बाप किशन सिंह नूं दस दिता कि कोई वार दी खबर मिली। सरदार किशन सिंह ने कहा कि कराची दा सैशन आउण तों उम्मीद है कि पहलां आप नूं फांसी दित्ती जाएगी। उन्हां ने खुशी दे विच जकारा छड्डिया। सरदार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव सिखां दे पिछले बन्ने सन और उन्होंने वाहेगुरु का शुक्र किया ते उन्होंने पूछा कि पुत्र जे तू कहें ते असी कोई अपील कर दईए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, असी अपील नहीं करनी ते असी तो हस हस के फांसी ते चढ़ना है। जदों उन्होंने इन्नी गल कही तो उन्होंने अखां भर आईया तो उसने भगत सिंह ने अपने परिवार को कहा कि तुसी किस तों अखां भरदे आ, असी तां इस गुरु कलगीधर पातशाह दे सपुत्र हाँ, साडा तां जीवन ही मौत दे विच्चों होया। जिस वक्त वो घर नूं मुड़ तुरे तो सरदार भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव नूं वह मनहूस दिन चढ़िया, जिस दिन गोरी सरकार ने उन्होंने जेल दियां काल कोठड़ियां चों कढ के फांसी वाल नूं लिजा रहा तो तिन्ने सूरमे
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰੂਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ
पंजाब दे पंजाबी वीर हन ये खुशियां भरे खेड़े विच जीवन बतीत करनगे, पर अज उस पंजाब दे उत्ते जो हालात है किसी कोलों छुपे नहीं रहिंदे, दसे नहीं जा सकते कि पंजाब विच सिखां ते किहो जिहा अत्याचार हो रहा। बड़ी कमाल दी एक चीज़ लिखी गई है, पंजाब प्यारे दे रब्बा मोड़ लिया मुड़ हासे, आप जी नूं प्यार नाल सरवण करना। जा प्यारे
पंजाब की धरती जिस दियां हरेक पंजाबी सुखां मंगदा है चाहे वह किसी भी नाल संबंधित होवे अज उस पंजाब की धरती के उत्ते जो कुछ हो रहा वो खालसा जी दस नहीं सकते क्योंकि जीभा थिड़कदी है इन्नी उत्थे जो कुछ हो रहा किसी की कोई अपील नहीं कोई दलील नहीं एक चीज आप जी तो कह के खिमा दे जाचक हो जाना भाई गुरजन सिंह बोध सिंह वाले दी क्योंकि साढ़े अज अत भाग चंगे हैं जिन्होंने कोल महापुरख इत्थे आए हैं इंग्लैंड भी गए सन इन्हों की बड़ी आशीर्वाद है क्योंकि सानू इन्नी गुरमत की सोझी नहीं है उन्होंने भी सानू उन्हां तो भी आप अज बचन सुनने हैं तो एक चीज़ आप जी के सामने दो तीन मिनट की है उस तो बाद खिमा दे जाचक हो जाना जो भाई गुरजन सिंह जी बोध सिंह वाला उन्होंने प्रथाए है क्योंकि लैक्चर के इन्ना टाइम नहीं है बहुत संगत जो है बच्चों के कोलों कुछ ना कुछ सुनना चाहती है तो असी भी यही रखीदा कि इन्हों के कोलों जे सानू कुछ टाइम मिलया तो प्रॉब्लम यही आ जाती कि इन्हों इन चीज़ा याद नहीं होंदिया तो अज सवेरे दो तीन गीत याद कराए तो हूँ वह ठीक है छोटा भचंगी है जो मगर बोल जाता कई बार तो कई बार कह दिता अंकल मैं पता नहीं लगता उत्थे मैं की कहना तो मैं अज सोचता ही मैं क्या जाऊगा भी दूसरे राह पर गुरु की कृपा के नाल दो तीन गीत उन्होंने अभी सवेरे चेते कराए तो वह मगर ही बोल गया आओ आप उस योधे मर्द की एक चीज़ आप जी के सामने पेश करनी है गुरजंट सिंह चन्न वीरिया प्यार ना सरवण करो I
ਦੱਸ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਚੁਣਗਾ ਤਰ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਗਫਲਤ ਚੋਂ ਕੋ ਮਜਗਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਨੇਰੀ ਸਿਰਜ ਕੇ ਹਣ ਖਾਂਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਅਨਮੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰਿਆ ਸੋ ਇਸ ਜੀਆਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਵੋ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਪਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸੂਰਮਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਰਾ ਪੀਰ ਜਗਤ ਕੌਰ ਬਾਬਾ ਇਕੈਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।